हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से नया और इम्पोर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर के है, यानी कि इसमें जो है सचिवालय वाले जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं उनको लेकर के। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं क्या करके बताता हूँ, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो उनको भी मिल जाए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। यहाँ पर डेट आज का देख सकते हैं, 14 मार्च का है। यहाँ पे है सबसे पहले झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 अंतर्गत सभी अभ्यर्थियों के लिए समर्पित आवेदन। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 20/3/2022 से 22/3/2022 तक की मध्यरात्रि तक निर्धारित है, यानी कि 20 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक आप लोगों को जो है ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, कुछ करेक्शन कर सकते हैं आप लोग। ये सभी के लिए कहा गया है, जो कि 3 दिन का है, 20, 21 और 22, ये 3 दिन में आप लोगों को रात तक में कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे उपर्युक्त के क्रम में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के साथ साथ अर्थानुसार संबंधित विज्ञापन में शामिल विभिन्न पदों के विकल्पों का चयन उक्त में संशोधन किया जा सकेगा। तो यहाँ पे जो है जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप कर लिए हैं वे जो है अपना जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी चीज़ें आपको चेंज करना चाहते हैं, अगर कुछ गलती हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ में जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है उस पोस्ट को भी आप लोग प्रिफरेंस के हिसाब से 1, 2, 3 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो पद का विकल्प है उसको भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपना जो है नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो डेट है आपका 20/3/2022 से लेकर के 22/3/2022 तक, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना ही है। निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन है तो दावा नहीं मान्य होगा। यहाँ पे है इस जो 22 तारीख है उसके बाद से आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये भी कहा गया है यहाँ पर। ये हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक, ये भी कहा गया, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि आप लोगों को कुछ अगर चेंजेस करना है तो आप 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक में इस चेंज को कर सकते हैं। और जो पोस्ट है उसका प्रिफरेंस को है 1, 2, 3 ये सबको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC में ये जो है सचिवालय वाला एग्जाम के लिए जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो इस अपडेट को जरूर से जरूर देख लें।